हेलो किड्स, टुडे आई आर एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट वन टॉपिक वन टेम्परेचर एंड हीट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, टुडे आई एम रिपीटिंग इट फॉर द टेस्ट। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी? ए हीट एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं? आंसर, हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। और ये हरारत जो है एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का मुंतकिल होना है किसी भी हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ। इट इज़ मेजर इन जॉल्स, इसको हम जॉल्स में मेजर करते हैं और किलो जॉल्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन टू है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर कि वो टेम्परेचर, दर्जा हरारत का वो दर्जा जहाँ पर के किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो स्टॉप कर देते हैं मूव करना, हरकत उनकी स्टॉप हो जाती है, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट इज़ केल्विन स्केल? केल्विन स्केल क्या है? फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ टेम्परेचर स्केल स्टार्ट एट द एब्सोल्यूट जीरो। और साइंटिफिक वर्क के लिए जो है, साइंसदान जो है लैब्स में जब भी तजुर्बात करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो एक पैमाना यूज़ करते हैं जो कि एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होता है। दैट इज टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। इस स्केल को जो है, इस पैमाने को हम केल्विन स्केल कहते हैं। नाउ टॉपिक टू है आपका, हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आई एम रिपीटिंग। क्वेश्चन वन, व्हाट इज कैनेटिक थ्योरी? कैनेटिक थ्योरी क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। हायर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव, दिस इज नोन एज कैनेटिक थ्योरी। क्वेश्चन टू है, व्हाट हैपन टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड? जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है? आंसर, लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड के बनस्पत ज़्यादा हीट एनर्जी, हीट को ऑब्जर्व करने की एनर्जी होती है। और पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड फास्टर एंड चेंज पोजिशन ईजीली। एग्जाम्पल वाटर, लिक्विड में पानी की एग्जाम्पल आपके पास है। पानी को जैसे हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बुलबुलों की शक्ल में जो है वो उबलना शुरू हो जाते हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं तेज़ी से मूव करते हैं। नाउ टॉपिक थ्री आपका है, ट्रांसफर ऑफ द हीट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? मूवमेंट ऑफ द हीट थ्रू सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्टर। मूवमेंट ऑफ द हीट की जो मूवमेंट है, हरकत करना सॉलिड मटेरियल्स में जैसे कि मेटल में जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है हीट की, इसको हम कंडक्टर कहते हैं। यानी जो चीज़ें जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उन चीज़ों को हम कंडक्टर कहते हैं। विच मटीरियल मेक द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कौन सा जो है वो मटीरियल बेस्ट हीट का कंडक्टर है, हीट को एब्जॉर्ब करता है? मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम ईजीली। नाउ क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? नेम थ्री इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अकाउंट इंसुलेटर्स एयर, प्लास्टिक पैन, ग्लास आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। ओके, सेवन क्लास क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आपने लर्न करना है। दिस इज योर होमवर्क।